Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अब बात करते हैं मौसम की, जहां पर अब गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को होने लगी है। पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो के कमजोर पड़ने और ला नीना के धीरे धीरे सक्रिय होने से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान में झुलस रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर है कि अल नीनो की स्थिति लगभग खत्म हो गई है और ला नीना का उभार होने लगा है। अब जैसे जैसे ला नीना मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे मानसूनी बारिश में भी मजबूती आती जाएगी। जुलाई के पहले हफ्ते में सितंबर के अंतिम तक मानसून के मजबूत रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि 31 मई को मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद से अभी तक लगभग 3 हफ्ते में बारिश की जो कमी हुई है उसकी भरपाई आगे हो सकती है। IMD के मुताबिक इस मानसून सीजन में अभी तक देश में 20% कम बारिश हुई है। औसतन अभी तक 80.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 64.5 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। बिहार में 72% और उत्तर प्रदेश में 88% कम बारिश हुई है। यहां तक दक्षिण के राज्यों में भी औसत से कम ही बारिश हुई है। सिर्फ मेघालय, असम और सिक्किम में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। IMD ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जारी किया है। साफ है कि कम बारिश की भरपाई तभी होगी जब बाकी समय में औसत से ज्यादा बारिश होगी। IMD के मुताबिक ला नीना के कारण मानसून के अंतिम चरण में अगस्त और सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जिन राज्यों में तय तारीख तक मानसून नहीं पहुंच पाता, वहां प्री मानसून बारिश होती ही रही है, जिससे तापमान कंट्रोल में रहता है। लेकिन इस बार प्री मानसून की गतिविधियां भी नहीं के बराबर देखी गई। इसके लिए पश्चिम से चलने वाली शुष्क हवा जिम्मेदार ठहराई जा रही है। उत्तर भारत में प्री मानसून की बारिश मई के अंतिम हफ्ते में होती है, लेकिन इस दौरान पश्चिमी हवाएं चल रही थी जिससे नमी नहीं थी। अभी पाकिस्तान और अरब सागर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन यह स्थिति 22 जून तक रहेगी। इसके बाद तापमान फिर से हल्का ऊपर जाएगा और जून के अंतिम हफ्ते में यानी 27 से 28 जून के बीच जब दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, तभी लोगों को पूरी तरह से राहत मिल सकती है। इसी बीच पूर्व से मानसून ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एक साइक्लोन बांग्लादेश और असम के ऊपर बना हुआ है। एक टर्फ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है जो बिहार और मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ तक जा रही है। इसके चलते जमीन से लगभग 3.1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती संचरण बन गया है। हवा ऊपर उठकर और संघनित होकर घने बादलों में बदल रही है। इसके असर से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। एक दो दिनों में बिहार, झारखंड एवं ओडिशा के कई इलाकों में बारिश होनी शुरू हो जाएगी।